है ना, लोग मिलने डेलीगेशंस आते हैं बाहर से, लोग मिलने आते हैं, मुल्कों के मुख्तलिफ लोग आते हैं इसके, तो उनसे जब मैं मिलता हूँ वो जनाब, वो मुझे जो प्रोटोकॉल, प्रोटोकॉल से मुराद है कि वो जो अहमियत का एहसास होता है आपको कि भाई वो आपसे दरख्वास्त कर रहे होते हैं, बड़ी बड़ी ताकतें आपके पास दरख्वास्त लेकर आई हैं, हमें ये दे दो, हमें वो कर दो, हमारा जजिया बख्श दो, हमारा टैक्स ना दो, मतलब वो कहते हैं मुझ में कुछ पैदा हो जाता है, जिस तरह दिल जो है ना वो ज़रा अपने आप को कुछ बड़ा बड़ा महसूस करता है कि शायद मैं कोई चीज़ हूँ। वो कहते हैं फ़ौरन ही फिर मैं अपने नफ्स को मारने के लिए मश्क करता हूँ, मुख्तलिफ किस्म की चीज़ें, कहीं ये जो नफ्स है मेरा, गुरूर जो मेरा दिमाग में मेरे हावी ना हो जाए, तो अब मश्क उठा रहे हैं। और वो जो अपने ग़ुलाम असलम को उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात कही थी, अपने कंधे पर जब उन्होंने उठाया आटे का थैला, जब उन्होंने दो बच्चों को सिसकते हुए देखा, बिलकते हुए देखा, भूख के मारे आटा सर कंधे पर उठाया है, और ग़ुलाम कहते हैं कि या अमीरुल मोमिनीन मुझे कहिए मैं ले जाता हूँ। उन्होंने कहा क्या क़यामत के दिन तुम मेरा बोझ उठाने के लिए तैयार हो गए? जब क़यामत के दिन तुम मेरे इसमें बोझ नहीं उठाओगे तो आज मुझे अपना बोझ खुद ही उठाने दो, ताकि क़यामत के दिन मैं अपना बोझ खुद उठा रहा हूँ। कितना एहसास था उनके अंदर, कितनी उनके अंदर देखिए तवाज़ो थी, ये नहीं कि मैं अमीरुल मोमिनीन हूँ, इतने बड़े इलाके पर तकरीबन 50 लाख मुरब्बा किलोमीटर ज़्यादा उनकी हुकूमत थी, यानी कितने दो तीन बर्रे आज़म और मुसलमान फैले हुए हैं अफ्रीका में, एशिया में और अरब, ये तमाम यूरोप तक मुसलमान पहुँचा चाहते थे, तो इतने बड़े खित्ते में मुसलमानों की हुकूमत हो लेकिन अमीरुल मोमिनीन सर पे नीचे ईंट रख के सो रहा है, एक दरख्त की छाँव के नीचे सो रहा है, और लोग कहते हैं कि अमीरुल मोमिनीन कहाँ है, तो कहते हैं वो सो रहे हैं, तो वो जाकर वो कहते हैं ये वो अमीरुल मोमिनीन है जिसकी पूरी हम जिससे डरते हैं, जिसकी धाक बैठी हुई, और कहते हैं हाँ इसी वजह से तुम धाक बैठी हुई है कि उन्होंने अपना वो स्टाइल नहीं छोड़ा है अभी तक, कि वो जिसकी वजह से जो फ़ख्र, वो फ़ख्र, वो जिसके ऊपर फ़ख्र होना चाहिए वो चीज़ उन्होंने छोड़ी नहीं है आज तक। हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं एक और हदीस में कि अल्लाह ताला ने किसी भी नबी को नहीं भेजा लेकिन उसने बकरियां चराई हैं, और कहा कि मैंने भी बकरियां चराई हैं, एक मुकाम है यानी कि यूँ कह लीजिए कि मक्का के करीब करारीत उसका नाम है, कहते हैं मैंने भी बकरियां चराई हैं, हज़रत अकरम सल्लम कहते हैं। अब उलमा ने मुख्तलिफ वजूहात लिखी हैं कि आखिर बकरियाँ चराने की वजह क्या हो सकती है, तो उन्होंने कहा कि इससे आदमी के अंदर सब्र पैदा होता है, बकरी इधर भाग रही है वो डंडा लेके उधर भाग रहा है पीछे उसके, बकरी कोई इधर कर रही है कोई और हरकत कर रही है, कोई पीछे रह गई उसको लेकर आ रहे हैं, मतलब आप देखें ना वो जो उनकी तबीयत होती है उनसे एक आदमी के अंदर सब्र मुशक्कत की तबीयत पैदा होती है और एक आजी की कैफियत पैदा हो जाती है कि देखो जानवर होकर जनाब मैं उसके पीछे दौड़ रहा हूँ और इसकी मिन्नतें कर रहा हूँ कि भाई तुम आ जाओ, तुम गुम गई तो मेरे मालिक मुझे वो देगा नहीं, पैसे नहीं देगा, ये वो आजी और तरबियत मकसूद होती है। हर नबी ने बकरियाँ चराई हैं जितने भी अंबिया आए हैं। अब देखिए हजूर अकरम सल्लम हमें यहाँ से बता रहे हैं कि तवाज़ो से काम लेना है, अपने आप को बड़ा नहीं समझना है, और इसीलिए हज़रत सुफियान इब्ने उयैना रहिमहुल्लाह बहुत बड़े ताबेई गुजरे हैं, हज़रत इमाम इब्ने अबू हनीफा के में गालिबा उनके असातिज़ा में से उस्ताद हैं उनके, ये यानी ये ताबेई गुजरे हैं, ये सहाबे की ज़्यारत की है इन्होंने, वो कहते हैं कि मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी आदमी का किसी शहवत की वजह से गुनाह हो जाए, शहवत मतलब से मुराद ये ना कि वो कोई ख्वाहिश गालिब आ गई है, कुछ चोरी करने की ख्वाहिश गालिब आ गई है, किसी और काम की ख्वाहिश गालिब आ गई है, वो कहते हैं अगर इस वजह से किसी ने गुनाह कर लिया हो तो मैं ये समझता हूँ उसकी तौबा अगर वो कर लेता है सच्ची तो उसको माफ़ हो सकती है, लेकिन जिसने गुरूर किया, और की मिसाल उन्होंने दी कि देखिए हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की, उन्होंने आदम अलैहिस्सलाम ने गलती की और वो फल खा लिया, गलती की अल्लाह ताला ने उनको माफ़ कर लिया, उन्होंने तौबा की, जैसे सुफियान इब्न उयैना ने लिखा, लेकिन वो आदमी जो गुरूर करे तकब्बुर का शिकार हो जाए, वो ये फरमाते हैं कि मैं इस बात से डरता हूँ कि अल्लाह ताला उसकी तौबा को अल्लाह उसको माफ़ उस पर लानत करेंगे अल्लाह ताला जो आदमी गुरूर करे, और वो उन्होंने फिर मिसाल दी शैतान की कि शैतान यानी इब्लीस अल्लाह ताला का बहुत ही करीबी था, बहुत करीबी था वो, और उसने जब गुरूर किया तो अल्लाह ताला की लानत उस पर नाजिल हुई, क़यामत तक उस पर लानत पड़ती रहेगी, और इसीलिए अल्लाह ताला फरमाते हैं कि गुरूर मेरी चादर है, अल-किब्रु रिदाई, जिसने भी कोशिश की इसको ले लें कि मैं उसको कभी माफ़ नहीं करूँगा, ये अल्लाह ताला की चादर है। हम कौन होते हैं, और बहुत ही खूबसूरत बात हज़रत मालिक इब्ने दीनार रहिमहुल्लाह जो बहुत बड़े एक बुज़ुर्ग गुजरे हैं, बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं, वो फरमाते हैं कि बल्कि उनके साथ वाक़या पेश आया,
वो वाक्या कुछ इस तरह से पेश आया, एक आदमी बड़ा जनाब अकड़ के चल रहा हो, उन्होंने कहा कि जानते हो कौन हूँ मैं? तो उन्होंने इनको देखा, उन्होंने कहा कि हाँ मैं जानता हूँ तुम्हें। उन्होंने कहा कौन हूँ मैं? कहते हैं मैं तुम्हें जानता हूँ, जब पैदाइश से पहले तुम एक गलीस कतरा थे और जब तुम मर जाओगे तो सड़ी हुई लाश हो गए और अभी भी तुम अपने पेट के अंदर इतना सारा गंद लेके फिर रहे हो, कजीरा कि नहीं तुम गंद लेके फिर रहे हो, वो जिस तरह कहते ना कहते गंदगी लेके फिर रहे हो, तुम वो हो, मैं तुम्हें जानता हूँ। वो एकदम वो आदमी जो है ना वो वाकई हो, उसने जिसे कहते ना कि उसने कहा हाँ तुमने सच कहा, शुक्र है तुमने मुझे अपनी ऐसे अहमी वो असलियत मुझे याद दिलवा दी कि मैं हूँ कौन। देखिए ना आदमी इतना अपने आप में अकड़ता है, लेकिन अपनी हैसियत पे तो गौर करे। कुरान बार बार इसको कहता है कि देखो तुम किस तरह से पैदा हुए, उस चीज़ से पैदा हुए को जो तुम्हारे कपड़ों पे लग जाए तुम फौरन उसको धोने के लिए दौड़ते हो, और तुम उसकी तुम्हें बदबू पसंद नहीं है, कुछ वो पसंद नहीं है, तुम उससे पैदा हुए और तुम इतने बड़े बनते फिर रहे हो। यानी ये इंसान के लिए जायज़ ही नहीं है कि वो इस चीज़, और जब उसका अंजाम होना है तो खूबसूरत जिस्म है, बहुत ही खूबसूरत जिस्म है, लेकिन जैसे ही फौत हुआ तो लोग कहते हैं जल्दी करो यार दफनाओ, कहीं बदबू ना आने शुरू हो जाए इससे, जो जल्दी करो उसको किसी जगह स्टोर में रख लो, कहीं ठंडी जगह पे रख लो कि चलो जनाजा ज़रा देर में ही होना है, कहीं बदबू ना आने शुरू हो जाए। लोग जल्दी करते हैं, उसके खुद बेटे बेटियाँ जल्दी करते हैं कि जाओ उसको दफना दिया जाए जल्दी करके। ये तो हालत है इंसान की। इसलिए मोहतरम ख़वातीन हज़रात, मुसलमान का जो अमूमी रवैया है वो ज़ाहिर है कि आदमी से बहुत सारी गलतियाँ होती हैं आदमी के अंदर, अपनी ज़ात के अंदर और बहुत सारी बुराइयाँ हो सकती हैं, लेकिन ये जो तकब्बुर गुरूर और बड़ाई का जो रवैया है इससे हम सबको जितना भी परहेज़ करना चाहिए इसे करना चाहिए। और अपने आप को ज़ाहिर है कि मैं अपने आप को ये समझूँ कि मैं बहुत बड़ा लामा हूँ, मुझसे कोई बड़ा नहीं है। हर आदमी समझे मेरे पास तो कोई बहुत ज़्यादा इल्म आ गया, मेरे पास बहुत पैसा आ गया है, मैं किसी बहुत अच्छे ख़ानदान का हूँ, मेरे पास बहुत बड़ी हैसियत आ गई है। इस बुनियाद पर अपने आप को यूँ समझिए कि दूसरों से बुलंद समझना और किसी ने कुछ नहीं किया। देखिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को कहा कि खबरदार, आप जब जाते थे मजलिस में तो सहाबे कराम आपके एहतराम के लिए खड़े हो जाते थे, तो आपने बड़ी सख्ती से मना किया। उन्होंने कहा कि तुम वो उस तरह ना करो मेरे लिए जिस तरह रोम और कैसर और किस तरह के लोग जब आते हैं तो खड़े हो जाते हैं, उस तरह मेरे ना करो। पसंद ना पसंद फरमाया आपने कि मेरे लिए खड़े ना हुआ करो अदब के अंदर। इसलिए आपने फरमाया कि जो शख्स ये समझता है, यानी उसके अंदर ये आ जाता है, उलमा ने लिखा है कि किसी भी आलिम के लिए खड़ा होना कोई, या किसी भी ऐसे बड़े मोहतरम शख्सियत के लिए, आप वालिदैन के लिए खड़े हो जाते हैं जब वालिद आते हैं आपके, आप उनके लिए जगह खाली कर देते हैं, वो बजाते खुद बुरा नहीं है। लेकिन अगर वो आदमी, वो आलिम, वो उस्ताद या वो शख्स जिसकी इज्जत की जा रही हो, वो खुद ये समझे कि मेरे लिए लोग खड़े हों, तो कहते हैं अपना ठिकाना जहन्नम में ढूंढ ले। यानी आप किसी का एहतराम करते हैं ये एक और चीज़ है, लेकिन वो खुद अपने वो मेरे लिए खड़े ही नहीं हुए तुम, और अपने दिल में इसको कम समझे कि मेरे लिए क्यों नहीं खड़े हुए, मैं तो बहुत बड़ा लामा हूँ, तुम्हें मेरे लिए खड़ा होना चाहिए था। वो अगर अपने दिल में ये ख्याल रखे ये उसके लिए बिल्कुल नाजायज़ है, जायज़ नहीं है, गरूर है ये कि मेरे लिए आप सब ने मना फरमाया कि वो ख्यालात, वो चीज़ें जिसकी वजह से छोटे से छोटा ख्याल भी आ सकता है किसी के दिल में कि उसके दिल किसी तरफ जा सकता है, अल्लाह ने और उसके रसूल सल्लम ने इसको बहुत सख्ती से मना फरमाया है। इसीलिए हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके दिल में ज़र्रा बराबर भी गुरूर होगा वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। देख लीजिए कितनी सख्त बात है। और अल्लाह के रसूल ने एक और जगह फरमाया कि गुरूर या किब्र ऐसा है, अब उसकी मिसाल देखिए कि जिस तरह काली रात में, अंधेरी काली रात में काले पत्थर पर काली चूंटी रेंग रही होती है, अब उसको कौन डिटेक्ट कर सकता है? मेरा ख्याल है जो जदीद तरीन वायरलेस सिस्टम है उसको भी वो डिटेक्ट नहीं कर सकते, नहीं पता चल सकता कि एक काली रात में, काली अंधेरी रात में जब चांद भी ना निकला हुआ हो और काले पत्थर के ऊपर काली चूंटी रेंग रही हो, गुरूर उस तरह से दिल के अंदर आ जाता है और आदमी उसका शिकार हो जाता है। यानी आप सल्लम कितनी तलकीन करने के साथ ये बात कर रहे हैं कि आपने अपना रवैया इस हवाले से कैसे रखना है, गुरूर के हवाले से बचना है, किसी आदमी को हकीर नहीं समझना है। हो सकता है वो अल्लाह ताला के यहाँ कितना ही वो मकबूल हो। इसीलिए एक दफ़ा हजूर अकरम सल्लम के सामने एक शख्स गुजरा, साहबा बैठे हुए थे, एक आदमी गुजरा और उन्होंने कहा कि ये कौन आदमी है, साहबा से पूछा। तो साहबा ने कहा कि या अल्लाह, ये तो या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो बहुत ही हमारे कबीले का मोतबर आदमी है, ये बात कर ले तो जनाब कोई टाल नहीं सकता।
और इसकी बड़ी अहमियत है और ये बड़ी